नमस्कार, मंजुला शर्मा डॉट रतागुंज की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं भिंडी आलू की सब्जी बनाने जा रही हूँ, जो राजस्थान की फेमस डिश है। आइए हम देखते हैं कि कैसे बनाते हैं, और जब आप इसको देख लेंगे इसके बाद इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ, ज़रूर से इसको शेयर कीजिएगा। देखिए, ये भिंडी है, मैंने ये एक बोल भिंडी लिया, एक कांच की बोल है ये, इतनी भिंडी है ये, 25 ग्राम के करीब होगी। ये दो कटे हुए आलू हैं, ये टमाटर की ग्रेवी है, टमाटर मिर्च और अदरक का पेस्ट है, ये सूखा धनिया है, ये सौंफ है, ये आधी चम्मच अजवाइन है, ये हल्दी है एक चम्मच, ये चुटकी भर हींग है, ये दालचीनी है, ये नमक और ये लाल मिर्च स्वाद अनुसार। आइए हम देखते हैं कि हम इसको भिंडी की सब्जी को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हमको भिंडी को फ्राई करना है। गैस जला दी है, गैस जलाने के बाद हम सबसे पहले आलू को फ्राई करेंगे। सबसे पहले हम आलू को फ्राई करेंगे, आलू को हमको डीप फ्राई करना है। देखिए ये आलू सिककर लाल हो चुके हैं, डीप फ्राई किया है मैंने इनको तेल में। अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, गैस को मैंने बंद कर दिया है, आलू को निकालती हूँ। अब ये मैंने आलू मेरे तल चुके थे, अब मैंने तेल बाकी निकाल कर, अब एक चम्मच सरसों का तेल है ये, अब इसमें सब्जी को बनाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं इसमें एक चुटकी भर हींग है उसे डालती हूँ, उसके बाद फिर ये अजवाइन, अजवाइन के बाद फिर ये हल्दी, हल्दी के बाद फिर ये सूखा धनिया, सरसों और ये आधी चम्मच दालचीनी और मिर्च आवश्यकता अनुसार, लाल मिर्च है ये। मसाले को मैंने भून दिया है, अब इसमें ये टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। टमाटर का पेस्ट डालने के बाद फिर मैंने ये भिंडी इसमें डाल दी है, भिंडी को डालकर चला दिया है। अब इसमें ये नमक आवश्यकता अनुसार, और जो हमने आलू भी फ्राई किए थे ये आलू भी साथ में डाल दे रहे हैं, और चलाकर अब इस कढ़ाई को ढक देते हैं। अब इस तरह से ये हमारी भिंडी और ये आलू भुन गए हैं, इसको बनाने में तकरीबन 15 मिनट लगे हैं और ये सब्जी तैयार है। हम ऊपर से इसमें ये देगी मिर्च डाल देते हैं, और देगी मिर्च डालने के बाद अब सब्जी को निकाल लेते हैं।